गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। लास्ट वीडियो में हम नाथुला तक पहुंचे थे और अब नाथुला के बाद अब हम जा रहे हैं छांगू लेक। वापस नाथुला से जब रिटर्न में आते हैं तो छांगू लेक पड़ती है। छांगू लेक के बाद जाएंगे बाबा हरभजन सिंह टेंपल और ये सामने जो लेक है ये छांगू लेक है। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। आसपास बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई और बहुत ही साफ और क्लियर पानी वाली ये लेक है। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है छांगू बाबा का मंदिर। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, ये इसी के नाम पे इसको छांगू लेक बोला जाता है। और धीरे धीरे अब यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ती हुई। हम जब यहाँ से निकले थे उस टाइम पे यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं थे, लेकिन रिटर्न में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और अब छांगू लेक के बाद जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह टेंपल। और ये जो साइड में ये लेक है ये है आंगू लेक। यहाँ पर भी कैंपिंग और बोटिंग का मज़ा लिया जा सकता है। इसका भी पानी बहुत ही साफ। बीच बीच में ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पर पुलिया का काम चल रहा है। इसको चौड़ा किया जा रहा है रोड को ताकि दो व्हीकल आराम से निकल सके, इसलिए अभी वन वे किया हुआ है। जब ये बन जाएगा तो जाम वाली समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। और ये आप सामने देख रहे हैं ये है बाबा हरभजन सिंह टेंपल। यहाँ का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की है। इनका जन्म 1946 में सदराना विलेज डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला जो कि इस समय पाकिस्तान में वहाँ पर हुआ था। 1966 में इन्होंने इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की थी। 1968 में ईस्ट सिक्किम में इनकी तैनाती हुई। 1968 में ही घोड़ों के काफिले के साथ तकुला से डोंगयुई ये जा रहे थे तो ये फिसल कर नाले में जा गिरे और शहीद हो गए। इनकी बॉडी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बहकर चली गई। फिर ये अपने साथी के सपने में आते हैं और उनको समाधि निर्माण की रिक्वेस्ट करते हैं। यूनिट ने इनके साथी की बात मानकर वर्तमान स्मारक से 9 किलोमीटर दूर पर इनकी समाधि का निर्माण किया। फिर 1982 में टूरिस्ट की सुविधा के लिए यहाँ पर भी एक ये स्मारक बनाया गया। ऐसी मान्यता है कि किसी भी बीमार व्यक्ति के गार्जियन अगर यहाँ पर पानी की बोतल चढ़ाकर फिर उस पानी को बीमार व्यक्ति को अगर पिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसी ये मान्यता है। और ये आप देख रहे हैं बाबा हरभजन सिंह टेंपल। ये बाहर का नज़ारा, बाहर भी एक मूर्ति लगी हुई है। और ये यहाँ पे इनका संक्षिप्त इतिहास हिस्ट्री जो हमने आपको बताई यही लिखा हुआ है इस पे। जस्ट सामने बाबा का मंदिर है और इनके ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं आज भी। अकेली रातों ने अधूरी बातों ने
लिविंग रूम, ऑफिस ये सब बनाए हुए हैं यहाँ पे, और हम भी सैल्यूट करते हैं बाबा हरभजन सिंह को। और अब वापस यहाँ से रवाना हुए हैं गैंगटॉक की ओर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल गैंगटॉक के लोकल साइट सीन करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ट्रैवल स्टार पर। बाय बाय।